स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम एक बेल्चिंग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बेल्चिंग डिजीज़ होती क्या है? बेल्चिंग डिजीज़ एक बार बार डकार आना या कंटिन्यू बेल्चिंग होना, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एक तरीके की एसिडिटी होती है या गैस होती है, और तो आज इसके हम बारे में बात करेंगे, ये होती क्यों है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या क्या डायग्नोस होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में आज हम सब फुल रिव्यू में दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होती क्यों है। कुछ पर्सन या कुछ पेशेंट बहुत हेवी फूड लेते हैं तो उनकी वजह उसकी वजह से ये बेल्चिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ पेशेंट ऐसे ड्रिंक करते हैं जो कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं, या कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा एयर हमारे स्टोमक में पहुंच गई है, उसकी वजह से बार बार यानी कंटिन्यू बेल्चिंग हो रही है, तो इसी वजह से ये बेल्चिंग होती है। अब बात करते हैं ये किस किस कारण से हो सकती है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा हेवी फूड ले रखा है, तो उसकी वजह से उसे बेल्चिंग की प्रॉब्लम यानी बार बार डकार आ सकती है। कुछ ऐसे ड्रिंक ले लिए हैं उसने जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही बेल्चिंग हो जाती है। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी जो ड्रिंकिंग बहुत फूड होते हैं उनकी वजह से हमें ये बेल्चिंग होने लगती है नहीं का। तो सो गाइस, कुछ ऐसी कंडीशन में कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के केसेस में भी कंडीशन हो सकती है, लाइक जीआरडी मीन्स गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रो प्रोसेस, गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर, एच पायलोरी मीन्स बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन द स्टमक, तो इनकी वजह से भी ये बेल्चिंग हो सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जो पेशेंट जिनको बेल्चिंग की प्रॉब्लम है उनमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि जो पेशेंट का एब्डोमिनल है वो स्वेलिंग हो जाता है, मतलब पेशेंट का जो एब्डोमिनल वो स्वेलिंग हो जाता है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डायरिया होने लगता है, या फ्लैचुलेंस हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, या नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकता है पेशेंट को, और अब जो नर्वसनेस भी हो सकती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकती है पेशेंट को। तो ये सब लक्षण है इसके बेल्चिंग डिसीज़ के। अब बात करते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को कैसे डायग्नोस करें या डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट से डॉक्टर ये पूछता है कि आपको बेल्चिंग की प्रॉब्लम या बार बार डकार आने की प्रॉब्लम कब से है, ये समस्या आपको कब से है। सेकंड थिंग डॉक्टर पूछता है कि आप कोई ऐसे फूड या ड्रिंक कंज्यूम करते हो, फूड ड्रिंक आप ऐसे लेते हो जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। सेकंड थिंग डॉक्टर ये पूछता है कि आप को इस बीमारी के साथ कोई और तो बीमारी नहीं है, तो बेसिकली डॉक्टर यही सब पेशेंट करते हैं हम ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है, लाइक ऑयली फूड, हेवी फूड, फास्ट फूड, स्मोकिंग, आइस कोल्ड वाटर, ओवर ईटिंग, तो ये सब हमें अवॉइड करना पड़ता है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की कि पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देते हैं, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग। अब आप बोलेंगे कि प्रोकाइनेटिक्स ड्रग क्या होती है, तो बेसिकली प्रोकाइनेटिक्स ड्रग वो होती हैं जो हमारे इसोफेगस और स्टोमक की मोटिलिटी को इम्प्रूव कर देती हैं, और जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड के रिफ्लेक्स को रिड्यूस कर देती हैं, इस कॉल्ड ये प्रोकाइनेटिक्स ड्रग होती है। तो सबसे पहले हम जो ड्रग देते हैं वो हम देते हैं मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड इज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, वन एम जी टी डी एस दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेडिसिन है हमारा
एटोप्राइड 50 mg में, ये हम इसको TDS दे सकते हैं, पेशेंट को TDS दे सकते हैं। सेकंड थिंग क्या होती है कि सेकंड मेडिसिन अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो उसके साथ में हम ट्रांसक्रैनियल मेडिसिन भी देते हैं, लाइक लोरज़पाम उसको दे सकते हैं बीडीडाइन दिन में 2 बार। अब हम इसको ओमेप्राजोल कैप्सूल डोम्पेडोर साथ में उसको दे सकते हैं, ताकि उसको एक हमारा इसको PPI है ओमेप्राजोल जैसा PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम उसको दे सकते हैं। एंड सेकंड थिंग चॉइस ऑफ विद चॉइस ऑफ यू कोई भी हम एक एंटासिड इसको इसमें दे सकते हैं, 2 टीस्पून दिन में 2 बार हम इसको दे सकते हैं। तो बस यही ट्रीटमेंट होता है कंटिन्यू बेल्चिंग का, बार बार टकराने का। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।